हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका असेंबली लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, टुडे आवर लेक्चर इज हाउ टू यूज़ लूप्स इन असेंबली लैंग्वेज। लूप के बारे में तो आप वाकिफ ही होंगे, C++ के अंदर आपने पढ़े होंगे लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अगर आपने फॉर लूप के अंदर अगर आपने C++ के अंदर ये अभी तक नहीं पढ़ा तो आप पहले C++ में इसको समझें, बाद में असेंबली लैंग्वेज के अंदर इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज में लूप यूज़ करने के दो तरीके हैं लूप यूज़ करने के। एक है जो कि लूप कीवर्ड के थ्रू लूप को यूज़ किया जाता है, और एक है लूप विदाउट यूजिंग लूप कीवर्ड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हम लूप के कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच लूप यूज बाय CX रजिस्टर। इसमें जो लूप यूज़ होता है वो CX रजिस्टर के थ्रू यूज़ होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डू वाइल स्ट्रक्चर होता है। डू वाइल स्ट्रक्चर आपने C++ में पढ़ा होगा, और इसके आगे है कि CX जो यूज होता है वो एज अ काउंटर यूज होता है, और इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होती है लार्जेस्ट से स्मॉल वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हमें CX में जब भी लूप यूज़ करना होगा कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी जो कि लार्जेस्ट से स्मॉल की तरफ आएगी। और इसी क्रम में नीचे चलते हैं तो कंडीशन यूज़ होती है जो कि CX नॉट इक्वल टू 0 और डिक्रीमेंट ऑटोमेटिकली एंड ऑलवेज 1, और एक का डिक्रीमेंट हर बार ऑटोमेटिकली होता रहता है। क्या हम ये सारा कुछ अपने लूप के अंदर लिखेंगे? नहीं। जो लूप का कीवर्ड है वो ये चीज़ें आसान कर देगा आपके लिए, जो कि 4 और 5 वाली प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, और लूप के अंदर ये चीज़ें जैसे हम लूप का कीवर्ड यूज़ करेंगे ये चीज़ें लूप के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। बस हमें लूप के कीवर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिक्रीमेंट किया जाए लूप के अंदर, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है कि डिक्रीमेंट ऑटोमेटिकली CX के अंदर होगा जैसे हम लूप कीवर्ड यूज़ करेंगे, और कंपैरिजन भी हो जाएगा CX का 0 के साथ, और यहाँ पर एक जंप यूज़ होगा, जंप नॉट इक्वल टू 0, ये Z0 है, जंप नॉट इक्वल टू 0 का एक जंप यूज़ होगा जो कि इसे वापस। अब यहाँ पर जो एड डू वाइल यूज़ हुआ है ये मैंने अपने लूप को स्टार्ट करने के लिए कोई सा कीवर्ड यूज़ किया होगा, जैसे कि हम कंपैरिजन इफ़ल्स कंडीशन में करते वक्त जंप यूज़ करते थे, तो एट एल्स एट एंड एल्स यूज़ करते थे, तो वहाँ पर भी इसी तरह अपने से कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते थे, इसी तरह यहाँ पर भी हमने अपने से कोई सा भी वर्ड यूज़ कर लिया। अब देखते हैं कि लूप के बगैर हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लूप कीवर्ड के विदाउट हमारे पास कोई बाउंडिंग नहीं रहती, हम अपने मर्जी से किसी भी तरह लूप असेंबली लैंग्वेज के अंदर लूप को यूज़ कर सकते हैं। हम AX, BX, CX, DX किसी के थ्रू भी हम रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे CX पे कि CX को कोई बड़ी वैल्यू दी जाए और वो ऑटोमेटिकली लूप इंस्ट्रक्शन के साथ ही डिक्रीमेंट होता रहे। हम यहाँ पर अपनी मर्जी से लूप चलाएँगे अपनी मर्ज़ी से। तो विदाउट लूप कीवर्ड हम लूप को किस तरह यूज़ करेंगे? विदाउट लूप कीवर्ड हमारे लिए आसानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि लूप के अंदर तो आसानी ज़्यादा हो रही थी कि वहाँ पे हमारे पास डिक्रीमेंट भी ऑटोमेटिकली हो रहा था और कंपैरिजन भी ऑटोमेटिकली हो रहा था और जंप भी ऑटोमेटिकली लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए यूज़ करना इसलिए आसान हो जाता है कि यहाँ पर हमारे पास हम हर रजिस्टर्स के थ्रू कोई ना कोई वैल्यू रखकर अपना लूप चला सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स में भी देखेंगे किस तरह हम फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के स्ट्रक्चर्स को एक ही प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। सो गाइस, आज का ये छोटा सा टॉपिक था जो कि आज आपको समझ आया होगा।